शांति स्पार ऑडियो बुक आत्म अभिमानी स्थिति और शून्य भावनाएं पार्ट टू टॉपिक श्रेष्ठ स्थिति बनाने का साधन तीन शब्द निराकारी अलंकारी और कल्याणकारी अव्यक्तवाणी 15 मई 72 ज्ञान बिंदु आधा कल्प स्वयं विश्व के राज्य के अखंड राज्य के निर्विघ्न राज्य के अधिकारी बनते हो और फिर आधा कल्प भक्त लोग आपके इस स्थिति के गुणगान करते रहते हैं। कोई भी भक्त को जीवन में किसी भी प्रकार की कमी का अनुभव होता है तो किसके पास आते हैं? आपके यादगार चित्रों के पास। चित्रों से भी अल्पकाल की प्राप्ति करते हुए अपनी कमजोरियों को मिटाते रहते हैं तो सारा कल्प प्रैक्टिस में यादगार रूप में सदा संपत्तिवान शक्तिवान गुणवान वरदानी मूर्त बन जाते हो। धारणा इसके लिए तीन शब्द याद रखने हैं, सदा निराकारी अलंकारी और कल्याणकारी। चाहे मनसा चाहे कर्मणा में चाहे सेवा में तीनों ही स्थिति में अपनी ऊंची स्थिति बना सकते हो। कोई भी प्रकार का अलंकार नहीं है अर्थात सर्व शक्तियों से शक्ति की कमी है। विधि अभी हम विश्व के मालिक के बालक फिर से विश्व को मालामाल बना रहे हैं, संपत्तिवान बना रहे हैं, सदा सुखदायी बना रहे हैं। जब कोई भी आत्मा को देखो तो वृत्ति यह रखनी चाहिए कि इन सभी आत्माओं के प्रति बाप ने हमें वरदानी और महादानी निमित्त बनाया है। ऐसी वृत्ति रखने से कोई भी आत्मा आप लोगों के सामने आने से खाली हाथ नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ लेकर ही जाएगी। अगर अपनी कमजोरी के कारण कोई भी पुराना तमोगुणी संस्कार व संकल्प भी टच कर देते हैं तो विशेष रूप से ज्ञान स्नान करना चाहिए अर्थात बुद्धि में विशेष रूप से बाप की याद अथवा बाप से रूह रिहान करनी चाहिए। रिजल्ट सदाचारी और सदा महादानी दृष्टि वृत्ति और कर्म से भी बनने वाले ही विश्व के मालिक बनते हैं। अलंकारों को धारण करने से सदा अपने को वैष्णव समझेंगे। भविष्य में तो विष्णुवंशी बनेंगे लेकिन अभी वैष्णव बनेंगे। अपने को शुद्ध बनाने से सदा शुद्ध स्वरूप के संस्कार बन जाएंगे। भविष्य में आप सभी के आगे प्रकृति दासी बन जाएगी। यह कमजोरियां भी जी हजूर कर खड़ी होंगी, टच नहीं करेंगी। सदैव स्थिर रहना है। सितारे आपस में संगठन में रहते सदा एक दो के स्नेही और सहयोगी रहेंगे। धारणा यह कब नहीं समझना कि अंतिम स्टेज का अर्थ यह है कि वह स्टेज
अंत में ही आएगी, लेकिन अभी से उस संपूर्ण स्टेज को जब प्रैक्टिकल में लाते जाएंगे तब अंतिम स्टेज को अंत में पा सकेंगे। जब तक परसेंटेज नहीं बढ़ाई है तब तक प्रभाव फैल नहीं सकता है। विधि, जितनी लाइट की परसेंटेज होगी उतना ज्यादा फैलेगी। जैसे बहुत अंधकार होता है तो ना अपने को ना दूसरे को देख सकते हैं, ऐसे लाइट हाउस बनो जो सभी अपने आप को देख सकें। जैसे दर्पण के आगे जो भी होता है उसको स्वयं का साक्षात्कार होता है। रिजल्ट, अगर इतने सभी दर्पण बन अपना कर्तव्य करने शुरू कर दें तो क्या चारों ओर सर्व आत्माओं को स्वयं का साक्षात्कार हो जाएगा? जब किसको साक्षात्कार हो जाता है तो उनके मुख से जय जयकार का नारा जरूर निकलता है। तो ऐसे पावरफुल दर्पण बनो जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आप लोगों के सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस अथवा सर्विस की सफलता का रूप यह है। टॉपिक, महावीर आत्माओं की रूहानी ड्रिल। अवैतवाणी 4 दिसंबर 72। ज्ञान बिंदु, अभी अभी आप रूहानी महावीर महावीरनियों को डायरेक्शन मिले कि शरीर से परे अशरीरी आत्मा बंधन मुक्त योग युक्त बन जाओ तो 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो। जैसे हठ योगी अपने श्वास को जितना चाहे उतना समय रोक सकते हैं, अभी अभी शुद्ध संकल्पों में रमण करना, अभी अभी एक संकल्प में स्थित होना, यह प्रैक्टिस कर सकते हो। धारणा, अचल अडोल स्थिति का जो गायन है वो तो महावीर महावीरनिया श्रीमत पर चलने वाले श्रीमत के सिवाय और सभी मते समाप्त हो गए ना। मन मत भी वार ना करे, श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मन मत व आत्माओं के मत अर्थात परमत पर नहीं कर सकते। श्रेष्ठ आत्माएं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं एक कदम भी पद्मों की कमाई के बिना नहीं गवाते। विधि, जैसे स्थूल चोले को कर्तव्य के प्रमाण धारण करते हो और उतार देते हो, वैसे ही इस साकार देह रूपी चोले को कर्तव्य के प्रमाण धारण किया और न्यारा हुआ। अगर आत्मा का यह देह रूपी वस्त्र देह की दुनिया के माया के आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ है तो सरल उतरेगा नहीं, अर्थात सहज न्यारा नहीं हो सकेंगे। ड्रिल, अभी आप रूहानी महावीर महावीरनियों को डायरेक्शन मिले कि शरीर से परे अशरीरी आत्मो अभिमानी बंधन मुक्त
योग युक्त बन जाओ तो एक सेकंड में स्थित हो सकते हो। जैसे हठ योगी अपने श्वास को जितना समय चाहे उतना समय रोक सकते हैं, आप श्रेष्ठ योगी अपने संकल्प को, श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर, जो संकल्प जैसा संकल्प जितना समय करना चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित कर सकते हो। रिजल्ट, प्रैक्टिस की परीक्षा का समय जब कर्मभोग का जोर होता है तब होता है। ऐसे समय कर्मयोग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो, कर्मेंद्रियों को भोगने वाले जो होते हैं उनको ही अष्ट रतन कहा जाता है, जो ऐसे समय विजयी बन दिखाते हैं, क्योंकि अष्ट रत्नों में सदैव अष्ट शक्तियां कायम रहती हैं। ऐसे अष्ट रत्न ही भक्तों को अल्पकाल की शक्तियों का वरदान देने वाले इष्ट बनते हैं। जब आत्माएं बाप की समानता के मेले को मनावेंगी तब जय जयकार होगी, विनाश के समीप आवेंगे। बाप की समानता ही विनाश को समीप लावेगी। मेला लगने के बाद क्या होता है? अति शांति। तो आत्माएं भी मेला मनावेंगी, फिर वानप्रस्थ अर्थात कर्मातीत में चली जावेंगी। टॉपिक रूहानी शोधा, अव्यक्तवाणी, 13 जून 73। ज्ञान बिंदु, महारथी अर्थात इस रथ पर सवार अपने को रथी समझे। मुख्य बात कि अपने को रथी समझकर इस रथ को चलाने वाले अपने को अनुभव करते हो। अगर युद्ध के मैदान में कोई महारथी अपने रथ अपनी सवारी के वश हो जाए तो क्या वह महारथी विजयी बन सकते हैं, या और ही अपनी सेना को विजयी रूप बनने के बजाय विघ्न रूप बन जाएंगे? तो जो भी यहाँ इस रूहानी सेना के योद्धा हो, क्या वही इस रथ के रथी बने हो? धारणा, जैसे योद्धे सर्वशक्तियों सर्ववैभवों का किनारा कर सिर्फ युद्ध और विजय इन दो बातों को बुद्धि में रखते हुए अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में लगे हुए होते हैं, वैसे ही अपने आप से पूछो इन दो बातों का लक्ष्य है। योद्धे कभी भी आराम पसंद नहीं होते हैं, योद्धे कभी भी आलस्य और अलबेलेपन की स्थिति में नहीं रहते, योद्धे कभी शस्त्रों के बिना नहीं रहते, सदैव शस्त्रधारी होते हैं। योद्धे कभी भी भय के वशीभूत नहीं होते, निर्भय होते हैं। योद्धे कभी भी युद्ध के बिना और कोई बातें बुद्धि में नहीं रखते। ऐसे ही रूहानी योद्धों की सदैव दृष्टि में यह रहता है कि हम सभी एक दूसरे के साथी महावीर हैं, विजयी हैं। प्रकृति के साधनों से अपनी बुद्धि को डिटैच कर दिया है। विधि, संपूर्ण स्वतंत्र
अर्थात जब चाहो इस देह का आधार लो, जब चाहो इस देह के भान से ऐसे न्यारे हो जाओ तो जरा भी यह देह अपनी तरफ खींच ना सके, अपने कोई भी पुराने स्वभाव से भी स्वतंत्र, स्वभाव से भी बंधाए मान ना हो, अपने संस्कारों से भी स्वतंत्र, अपने सर्वलौकिक संपर्क व अलौकिक परिवार के संपर्क के बंधनों से भी स्वतंत्र। रिजल्ट, जो स्वयं प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हैं, क्या वह स्वयं प्रकृति के वश होंगे? जो अभी प्रकृति को वश नहीं कर सकते, वह भविष्य में सतो प्रधान प्रकृति के सुख को नहीं पा सकते। टॉपिक, योग युक्त होने से स्वतः युक्ति युक्त संकल्प बोल और कर्म होंगे। अव्यक्त वाणी, 28 जून 73। ज्ञान बिंदु, निरंतर विजयी वह जिसके युक्ति युक्त संकल्प व युक्ति युक्त बोल वह कर्म हो, या जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। धारणा, अमृत वेले से उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना है। तुम्हारे ऊपर सारे विश्व की जिम्मेवारी है, सिर्फ भारत की नहीं। सारे दिन में चेकिंग करनी है, हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन रहे। योग युक्त होने से ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त बोल और कर्म होगा। विधि, जैसे ड्राइविंग का लाइसेंस लेने जाते हैं तो जानबूझकर भी उनसे तेज स्पीड करा के फिर फुल स्टॉप कराते हैं व बैक कराते हैं, तो अपनी बुद्धि को चलाने व ठहराने की भी प्रैक्टिस करनी है। कमाल तक कहेंगे जब ऐसे समय पर एक सेकंड में स्टॉप हो जाए। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों के ऊपर अधिकारी बने हो, विस्तार में जाने के बजाय एक सेकंड में फुल स्टॉप हो जाए, ऐसी स्थिति समझते हो। ड्रिल, जैसे जिस्मानी मिलिट्री को मार्शल ऑर्डर करते हैं कि एक सेकंड में जहां हो जैसे हो वहां ही खड़े हो जाओ, इसी प्रकार सदा विजयी बनने के लिए एक सेकंड में अपने संकल्प को स्टॉप कर लेना। कोई भी स्थूल कार्य व ज्ञान के मनन करने में बहुत बिजी हैं, लेकिन ऐसे समय में भी अपने आप को एक सेकंड में स्टॉप कर लेना। रिजल्ट, अभी समय ऐसा आ रहा है जो सारे भंभोर को आग लगेगी। उस आग से बचने के लिए मुख्य दो बातें आवश्यक हैं। जब विनाश की आग चारों ओर लगेगी, उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य है शांति का दान अर्थात सफलता का बल देना। उस समय हर एक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी, जिसकी जैसी आश होगी वह पूर्ण करने के लिए बाप के परिचय द्वारा एक सेकंड में अशांत आत्माओं को शांत कराने की शक्ति भी
उस समय आवश्यक होगी। सारे विश्व की सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देना पड़ेगा। इतना स्टॉक जमा करना है जो स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार पर चला सकें और दूसरों को भी दे सकें। कोई भी वंचित ना रहे। एक आत्मा भी यदि वंचित रही तो बोझ निमित्त बने हैं जो दान देने उन पर पड़ेगा। जिनके पास शक्तियों का स्टॉक जमा है वही लकी स्टार्स के रूप में विश्व की आत्माओं के बीच चमकते हुए नजर आवेंगे। टॉपिक: निराकार स्वरूप की स्मृति में रहने का तथा आनंद रस लेने की सहज विधि। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 74। ज्ञान बिंदु: जिस प्रकार अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है, वैसे ही अपना निजी अनादि और निराकारी स्वरूप भी स्मृति में रहना चाहिए। धारणा: जैसी स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रसनाओं का अनुभव कराती है और हर गुण वाली वस्तु अपने गुण का अनुभव कराती हुई अपनी तरफ आकर्षित करती है, ऐसे ही आप अपने निजी स्वरूप के हर गुण की रसना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ। वर्णन के साथ साथ गुण की अनुभूति कराओ। वह तब करा सकोगे जब स्वयं इस सागर में समाए होंगे, तो इससे सहज स्मृति स्वरूप हो जाओगे। विधि: जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं और नई नई इन्वेंशन करते रहते हैं, ऐसे अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार इन एक एक गुण की डीपनेस में जाना चाहिए। जैसे आनंद स्वरूप कहते हैं तो वह आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है? आनंद स्वरूप होने से उसकी विशेष प्राप्ति क्या है और आनंद स्वरूप कहाँ किसको जाता है? उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर और अन्य आत्माओं पर क्या होता है? ऐसे हर गुण की गुह्यता में जाओ। जैसे वे लोग सागर के तले में जाते हैं और जितना अंदर जाते हैं उतने ही नए नए अनुभव होंगे। जैसे मछली पानी के अंदर रहते हुए अपना जी दान महसूस करती, उसका लगाव पानी से होता है। शरीर निर्वाह अर्थ बाहर निकलेगी तो एक सेकंड बाहर आई और फिर अंदर चली जाएगी, क्योंकि बिना पानी के वह रह नहीं सकती। ऐसे आप सबकी लगन अपने निजी स्वरूप की भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। कार्य अर्थ बाह्य मुक्ता में आए, इंद्रियों का आधार लिया अर्थात साकार स्वरूपधारी स्थिति में आए, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभवों के सागर की ही तरफ होना चाहिए। रिजल्ट: याद कैसे करें? इसके बजाय
याद भूल कैसे सकती है इतना परिवर्तन आ जाए। अभी तुम थोड़ा सा अनुभव किया है, सिर्फ चख कर देखा है। जब उसमें खो जाओगे तब कहेंगे खाया भी और शुरू में भी लाया। अभी बहुत अनुभव करने की आवश्यकता है। जब इस अनुभव में चले जाओगे तो फिर यह छोटी छोटी बातें स्वतः ही किनारा कर लेंगी, अर्थात विदाई ले लेंगी। टॉपिक: स्वयं का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 97। ज्ञान बिंदु: जैसे पांडवों को दिखाते हैं कि पहाड़ों पर गल गए अर्थात समाप्त हुए, ऐसे देह अभिमान की स्थिति से समाप्त हो गए हो, मर जीवा अर्थात देह भान से मरना, एक स्थान से मरना दूसरे स्थान से जीना होता है। जहाँ भी देह अभिमान से मरना और देही अभिमानी से जीना तीव्र पुरुषार्थ का सहज साधन है, दृढ़ संकल्प। देही अभिमानी बनने के लिए भी दृढ़ संकल्प करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। दृढ़ संकल्प वाले ही माया जीत होते हैं। ज्ञानी अर्थात सदा खुश। धारणा: जो निंदा स्तुति मान अपमान सभी को पार करने वाले हो, ऐसा ग्रुप चाहिए। अगर फरिश्ते नहीं तो खुद भी नीचे रहेंगे और दूसरों को भी नीचे लाएंगे। देह भान भी मिट्टी है तो देह भान से भी हल्कापन, देह भान से परे तो और सभी बातों से स्वतः ही परे हो जाएंगे, अर्थात बाप के साथ सभी रिश्ते हों, अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं। तुम ही संग बैठो, तुम ही संग बोलो। स्वभाव संस्कार संपर्क सब बातें सब रिश्ते खत्म, फिर खाली हो जाएंगे ना। जब इतना हल्का बने तभी पंडा बन औरों को भी ऊंचा उठा सकेंगे। फुल स्टॉप अर्थात राजा। विधि: जैसे बाप निराकार सोसाकार बन सेवा का पार्ट बजाते हैं, वैसे बच्चों को निराकार सोसाकार यह दोनों स्मृति साथ साथ नहीं रहती हैं। या तो निराकार बन जाते या साकारी हो जाते हैं। सदा यह मंत्र याद रहे कि निराकार सो साकार यह पार्ट बजा रहे हैं। यह साकार सृष्टि साकार शरीर स्टेज है। स्टेज और पार्टधारी स्वयं को कब स्टेज नहीं समझेंगे। स्टेज आधार है, पार्टधारी आधार मूर्त है, मालिक है, लेकिन कहने और करने में अंतर है। इस अंतर को मिटाओ। रिजल्ट: ऐसे विनाश के निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। वर्तमान समय ऐसे स्वयं परिवर्तन की मशीनरी फास्ट की चाहिए। स्वयं को संपन्न करें तो विश्व का कार्य संपन्न हो ही जाएगा।
विनाश के बजाय स्थापना के कार्य को संपन्न बनाने में सभी ब्राह्मण एक ही दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाएं, तो परिवर्तन का कार्य हुआ ही पड़ा है। कोई भी संपन्न बनने की विशेष बात लक्ष्य में रखते हुए और डेट फिक्स करें, होना ही है, तब संपन्न हो जाएंगे। ओम शांति।